सो हेलो गाइस, तो न्यू वीडियो और आज मैं फाइनली आप लोग के लिए टिप्स वीडियो ला रहा हूँ। आलस से हट के मैं वीडियो बना रहा हूँ फाइनली गाइस। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे माइक बैकग्राउंड सुनना कुछ भी, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पूरा अच्छे से शेयर करना जिससे कि वो लोग भी देखें वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। क्रॉस हेयर प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्रॉस हेयर प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है अगर क्लोज रेंज की फाइट में हो आप। क्लोज रेंज का एक रूल है, जो पहले हेड ले गया वो फाइट जीत गया। तो उसी के लिए अगर आप क्लोज रेंज फाइट ले रहे हो तो आपका पॉइंट, आपका मोटिव यही रहना चाहिए कि आप जल्द से जल्द उसको घेराओ या फिर जीतो, हेड लो सबसे पहले। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ दी लोग अपना क्रॉसर नीचे रखते हैं फॉर द ओवरव्यू, क्योंकि आपको पता है टीवीपी का क्या होता है, ऊपर रखते हैं ज़्यादा व्यू होता है, नीचे रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है ओवरव्यू। टीवीपी का यही एडवांटेज होता है, इसलिए उसको टीवीपी बोलते हैं, थर्ड पर्सन। तो अगर आप जब अपना क्रॉसर नीचे रखते हो क्लोज फाइट में, तो बंदा आपके सामने आता है तो आपको अपना क्रॉसर ऊपर लाना पड़ता है, और जो मिली सेकेंड का डिफरेंस होता है ना, वो आपको फाइट हरवा भी सकता है, इतना डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपके सामने बंदा आया अपने क्रॉसर नीचे से ऊपर लिया, तो होता क्या है, जो आपके स्टार्टिंग के कुछ शॉट्स होंगे वो बॉडी रजिस्टर होंगे, बाद में हेड लगेगा। अगर उससे पहले आपका आपका अपोनेंट हेड ले गया आपका, तो वो फाइट जीत गया, क्योंकि हेड लेने के बाद आपको सिर्फ 2 से 3 गोलियाँ और लगती हैं डाउन करने के लिए। तो अपना एम, अपना जो क्रॉसर जो है हमेशा ऊपर रखा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन यहाँ पे, आप यहाँ पे आके आप अपना प्रैक्टिस करो क्रॉसर का, अपनी लाइन तक ये रखा करो कि क्रॉसर ऊपर रहेगा, आप क्लोज फाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हेड ले पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेड ले पाओगे। हेड लोगे तो आपको ही ज़्यादा एडवांटेज रहेगा फाइट में, जीतने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके। तो यहीं आपका प्रैक्टिस करो इसके लेवल पर रख के अपना क्रॉसर। दूसरा पॉइंट, क्रॉसर प्लेसमेंट मिडिल रेंज में भी बहुत काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लो कवर है बंदे के पास, बंदा इस कवर के पीछे है, ठीक है, या फिर इधर ही है। तो आप जब खुले से जाओगे अपना क्रॉसर नीचे रखोगे और वो पीक लेगा, तो आपको अपना क्रॉसर ऊपर लाना पड़ेगा, देन ईडीएस खोलना पड़ेगा, देन शूट करना पड़ेगा। तो आप इसको फास्ट भी कर पाओगे, बहुत लोग ऐसे जल्दी से कर लेंगे, बट कभी कभार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं ऊपर नहीं ला पाया तब तक उसने मेरे को गिरा भी दिया, मैं ईडीएस खोल ही पाया तब तक उसने मेरे को डाउन कर दिया। उससे अच्छा क्या होता है, अपना ईडीएस ही ऊपर रखो, ईडीएस बोल रहा हूँ क्रॉसर ऊपर रखो, आगे जाओ, जैसे ही वो पीक लेगा आपको सिर्फ ईडीएस खोलना, देन शूट करना, आपको और कुछ करना ही नहीं है। क्रॉसर ऊपर है, बस ईडीएस खोलना है देन शूट। तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेज क्रिएट कर देता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप वो फाइट जीतो। दूसरी बात, जब आप कहीं रश कर रहे होते हो और आपका ऐसा कुछ कवर नहीं होता रश करने के लिए, तो आपके बंदे बोलते हैं ईडीएस रख के आना उस जगह। ईडीएस रख के आना क्या मतलब होता है, अपना क्रॉसर उस जगह रखा है, बंदा स्पॉट हो, ईडीएस खोल के जस्ट शूट। वरना आप अगर ऐसे कहीं भी देख रहे हो, देना आपको स्पॉट होगा, आपके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज़ नहीं हो, तब तक आपको डाउन कर देगा। क्रॉसर वहीं रख के बस आपको ईडीएस खोलना, देन शूट, आप बंदा डाउन कर सकते हो और आपको इतना डिसएडवांटेज नहीं होगा। क्लोज रेंज में बस इसका यही फ़ायदा होता है कि आप हेड पहले लगवा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और अपनी फाइट सिक्योर कर सकते हो। नहीं फन में क्लच मोमेंट्स पे भी यही होता है, आप एक बंदे को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि बाद में उसके पूरे बंदे आके आप पे चढ़ेंगे और आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। उससे अच्छा ये है आप एक बंदे को टाइम ही ना दो, उसको जल्द से जल्द डाउन करो। जैसे बंदा आए अपना क्रॉसर ऊपर, देन शूट, हेड लग गया वो डाउन, बाकी आप दूसरे बंदों को टारगेट कर सकते हो और आप क्लच करने के चांस, मोमेंट्स बना सकते हो अपने लिए। बस यही है। और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्रॉसर नीचे रखने का और ऊपर रखने का। क्रॉसर अपना ऊपर तब रखो जब आपका मिडिल रेंज और क्लोज रेंज फाइट हो, ओके। बाकी आप कहीं लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो तो टीवीपी से नीचे रखते हो तो आपको ज़्यादा ओवरव्यू मिलता है, ठीक है। या तो स्नेक जोन समझ लो आप, स्नेक जोन सिर है, अगर अपना क्रॉसर ऊपर होगा आपको इतना व्यू नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप ऐसे ऊपर कर दोगे तो आपको ज़्यादा ओवरव्यू मिलेगा और बंदों को स्पॉट करने के, स्नेक्स को स्पॉट करने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके पास। तो ये टीवी का एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा, और बाकी कवर ववर में रह के क्लोज रेंज में आप अपना क्रॉसर ऊपर रखो, देन आके फाइट लो, तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके गेम में, क्योंकि
यही डिफरेंस होता है नॉर्मल प्लेयर्स और लाइक कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स में। जो क्रॉसर है भले ही टोटल ऊपर नहीं बट मिडल में तो रखते हैं, नॉट नीचे, क्योंकि आप के पास इतना टाइम नहीं होता है क्लोज रेंज में कि आप नीचे से ऊपर लाओ देन शूट करो। नहीं, आप ऊपर रखो देन शूट करो, ज़्यादा आपके पास एडवांटेज रहेगा। तो गाइस अब आते हैं अपन लोग अपनी ड्रिल्स पे। सो गाइस, मेरी इतनी ज़्यादा कोई ड्रिल्स नहीं है, मैं बस अपने हाथ गर्म करने थोड़ा सा एम बिठाने आता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। बस मोस्टली गाइस मैं जाके मूविंग टारगेट्स को एक मैगजीन में गिराने की कोशिश करता हूँ एंड लाइक अपनी एम प्रैक्टिस करता हूँ। आगे मैं एम और बाकी सारी रिफ्लेक्सेस पर पूरी वीडियो अलग बनाऊँगा, तो मेरे को कमेंट करके बता देना अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, लाइक असॉल्टिंग है किस टॉपिक पे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। बाकी ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं सिर्फ ऐसे ही एम ट्रांसफर एंड लाइक वो मूविंग टारगेट्स को गिराने की प्रैक्टिस करता हूँ एंड पीक इन एंड पीक आउट की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि जब आप पे कोई बंदे रश कर रहे होते हैं खुले से तो आप पीक करके ईजिली उनको गिरा सकते हो और लाइक आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे उन्हें। तो गाइस इतनी थी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।